हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने आज एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया 11/4/2021 को। तो ये जो एग्ज़ाम है ये है जेई सिविल का। अगर बात करें कि ये किस पोस्ट कोड का था तो ये था पोस्ट कोड 826 का। तो इसका जो हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे, तो जैसे कि इसके जो मैं आपको बता दूं कि जो आंसर है वो एज प्रोफेशनल आंसर किए नहीं रहेंगे। जैसे एक आंसर की आएगी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि तो बाकी अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूं तो आप कमेंट कर देना, अगर श्योर हो तो मैं उसे पिन कर दूंगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पेपर है मेरे पास सीरियल वाइज नहीं आया, लेकिन इसमें जो जीके के 50 क्वेश्चन आए थे वो कवर हो रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्लादिवोस्टोक रूस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। तो केरल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाई मुडी है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। उसके बाद बात करते हैं किस भारतीय राज्य में केवल एक राज्यसभा सीट है। तो ये जो तीन राज्य इन्होंने दिए हैं मणिपुर गोवा मिजोरम, तो सभी में जो है वो एक एक राज्यसभा सीटें हैं। उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन के बारे में बताता है। तो ये जो बताता है अनुच्छेद 124, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में प्रविष्ट हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट आंसर है, बाकी इसका क्रॉस चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं उसके बारे में। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कोई करना चाहता है तो वो सॉल्व करके नीचे कमेंट कर सकता है। तो जैसे 29 क्वेश्चन है, ये रीजनिंग करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हर घर नल योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य में प्रारंभ हुई है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कौन सी फिल्म ताज़ा एकेडमी अवार्ड में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हुई है। तो जो जलीकट्टू, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में विवाह के लिए अवधिक धार्मिक संवादों को प्रतिबंधित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है। तो ये जो उत्तर प्रदेश ने किया, तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये तो ऊपर थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तो यहाँ से एचपीजी के हैं। तो जैसे कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका है, जो कि सिरमौर ज़िले में पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं कि लादरचा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है। तो ये जो कल का जेई का एग्ज़ाम था उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था, तो उसमें पूछा गया था कि जो लादरचा मेला या उत्सव वो किस ज़िले में मनाया जाता है, तो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सुकेती हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो ये जो ट्रिब्यूटरी है ये ब्यास की सहायक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि गज्जे सिकंदरी किस दिल्ली सुल्तान ने प्रारंभ किया था। तो जो गज्जे सिकंदरी है वो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि सिकंदर लोदी ने शुरू किया था, तो इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए निकिटिन प्रसिद्ध यात्री किस देश से संबंधित था। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी शायद जेओए में क्वेश्चन देखने को मिला था, तो रूस यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि विशिष्टा द्वैतवाद की संकल्पना किसने दी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, रामानुज के द्वारा जो विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो जो प्लासी की लड़ाई है वो 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि किस ग्रह में सौरमंडल में सबसे तेज परिक्रमण है। तो ऑप्शन ए बुध जो है सबसे तेज और जल्दी परिक्रमा करता है सौरमंडल की, शायद 88 डेज में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, बुध ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस उपस्थित है। तो ये जो उपस्थित है दोनों रहती है, ऑप्शन ए एंड बी राइट आंसर होगा, ऑर्गन एंड न्यून। उसके बाद बात करते हैं कि ब्लैक रोलर है एक, तो ब्लैक रोलर जो है वो एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि किस सिख गुरु
शहादत दिन को नवंबर महीने में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है गुरु तेग बहादुर के, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि इंग्लिश सेक्शन शुरू होता है कि विच इज़ द एंटोनिम ऑफ स्ट्रीडेंट, तो यहाँ पे प्लीसेंट इसका जो एंटोनिम पूछा स्ट्रीडेंट का, तो प्लीसेंट राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए थिंग लेवल टू बी इजिली ब्रोकन इज, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ब्रिटल, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो उसके बाद है एडम, तो टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। टू कैपिटिव थेम अनएक्सपेक्टेडली, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है कि फेट स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल वेंचर्स, तो यहाँ पे ऑन राइट आंसर होगा, ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि चौमासा में समास है, तो चौमासा में द्विगु समास होता है, तो उस हिसाब से यहाँ ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए द्वंद, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये ऑप्शन में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि कुआ का पर्यायवाची है, तो कुआ का जो पर्यायवाची करट है, ऑप्शन बी यहाँ पे, पिशुन करट ये सब कुआ के पर्यायवाची होते हैं। और जो बासर है कल वाले में आया था, तो दिन का जो पर्यायवाची होता है वो वासर होता है। उसके बाद बात करते हैं कि जी खट्टा होना, तो जी खट्टा होना मुहावरे करता है कि विरक्ति होना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि चोरी में प्रत्यय है, तो चोरी में जो है वो ई प्रत्यय है। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी, तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन ए राइट आंसर है, 2015 में शुरू की थी, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं कि फेमा किस वर्ष में अधिनियमित हुआ था, तो ये जो था 1999 में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं द्रव एवं गैसों में ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे कन्वेक्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग फ्लोट्स ओवर वाटर, तो वाटर पे जो तैरता वो कैल्शियम तैरता है जब रिएक्शन करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि घातक रक्तअल्पता किस विटामिन की कमी से होता है, तो एनीमिया जिसे बोलते हैं, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। स्टोरकीपर में क्वेश्चन देखने को मिला था, तो आगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो कोई सॉल्व करना चाहता है तो कर सकता है। उसके बाद ये है कि हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया था, तो केंद्र प्रशासित के रूप में पूछा है कि एक्सिस्टेंस एज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी ओन, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। 15 अप्रैल 1948, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की भाखड़ा जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी है, तो भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बॉडी इसकी कार्यकारी एजेंसी है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि सिंधु अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पे है, तो ये जो पड़ता है सोलन के बाथू में पड़ता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया था, तो ये जो किया था 1989 में किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि कंट्री लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो नोरा रिचर्ड इसके राइटर थे, ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद है कि कौन सा महाजनपद 8 गणराज्यों वंशों का संघ था, तो बज्जी जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि डोडरा कवारी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये शिमला में पड़ता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सी प्रथम जल विद्युत परियोजना कार्यान्वित किया, तो रोंगटोंग ऑप्शन ए जो 2 मेगावाट के लगभग, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो बिलासपुर हिंदू रियासतों के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से होना चाहिए, बाकी क्रॉस चेक कर लेना एक बार। उसके बाद बात करते हैं कि दत्तारपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो दत्तारचंद के द्वारा की गई थी, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे, तो 36 यहाँ पे सदस्य थे उस टाइम 1952 में। तो उसके बाद बात करते हैं कि भारत के वायसराय का भूतपूर्व निवास कौन सा था, तो कैनेडी हाउस यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। तो बाकी अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो बाकी एक एग्ज़ाम स्टैटिकल असिस्टेंट का भी है, तो उसका भी आपको जीके सेक्शन मिल जाएगा, पोस्ट कोड 866 का। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।